डी दिस इज योर रफी एक और नई वीडियो के साथ वेलकम अवर यूट्यूब चैनल सेजू ब्लॉग आप लोग ने थंबनेल पे देखा कि मैं एक कार के बहुत बड़े यार्ड में आया हो और भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में बिकॉज ऑफ काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि मुझे सेकेंड हैंड में कोई अच्छी कार या अच्छी डील मिल जाए बट यार डी जो कार लेने से पहले एक छोटा सी अमाउंट देना पड़ता है वो मेरे पास नहीं था और मैंने सोचा कि क्या यार मैं कैसे करूंगा कैसे कार परचेस करूंगा तो अभी फ़िलहाल मैं कहां पे आया हूं मैं आपको पहले लोकेशन बता देता हूं फिर आपको अंदर लेके चलता हूं और सारी डिटेल बताता हूं कि आपको जीरो डाउन पेमेंट पे कार कैसे मिलेगी या फिर आपका सिविल कितना अच्छा है उसके ऊपर आपको कार कैसे मिलेगी ई पे कैसे कार मिलेगी सब कुछ बताऊंगा तो ये हमारा कर्नावती क्लब के एग्जिट साइड वाला रास्ता है कर्नावती क्लब से साइड वाला रास्ता है और यहीं पे हमारा है काश 24 का स्टोक यार्ड और यहाँ पे बहुत सारी कार्स अवेलेबल हैं वो भी सेकेंड हैंड के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह होने के बाद ही रखा जाता है तो ज़्यादा जानकारी अंदर लेके चलता हूँ हमारे सर से बात करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि कार आप लोग कैसे परचेस कर सकते हो गाइस आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है तो अगर आपका सिविल रिकॉर्ड मजबूत है तो आप यहाँ से कार काफ़ी सस्ते में ले जा सकते हो अब इतना समझ लो कि अगर आप लोग डीलर से कार ले रहे हो तो ये तो भाई बहुत बड़े डीलर हैं तो इनसे कार आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलने वाली है और वो भी जेन्यून सब कुछ मिलेगा तो सीधा अंदर चलते हैं हम लोग स्टॉक यार्ड के अंदर और हमारे सर से बात करते हैं हाँ के हमारे सेल्स एक्सपर्ट है से जो आपको पूरा डिटेल में बताने वाले यार्ड के बारे में तो यहाँ पे हमारे साथ हैं धार्मिक सर कैसे हो सर मैं बढ़िया आप कैसे बस बढ़िया यहां पे जो हमारे सर है, सर यहाँ पे मतलब सेल्स वगैरह आप कर रहे हैं बिल्कुल सर मैं यहाँ सर कास्ट ट्वेंटी फोर के बारे में बताइए बहुत नाम सुन रखा है क्योंकि मैं एप्लीकेशन भी कोई यूज करता हूँ ना तो ऊपर अप आ जाता है कास्ट ट्वेंटी फोर थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये इतना बताया कि आपको इतना कास्ट ट्वेंटी फोर का, का परिवार Uh, सबसे पहले से फो 2015 में स्टार्ट हुआ था। जी, हम लोग पहले हमने किया था। जी, बट वो जब किया था उसके बाद डील होती थी पांच दिन बाद दस दिन बाद तो क्या होता था कि कस्टमर को ट्रस्ट नहीं था ये कार जो आपने इंस्पेक्ट किए उसके बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ फिर हमने स्टार्ट किया परचेस करना शुरू कर दिया यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे आइए अंदर चलते हैं।, हैं साथ ही साथ इसी और इसी तरीके से बात करते हैं बिल्कुल तो सर क्या बता रहे थे आप यहाँ पे आप देख रहे जो पूरा जो कार है, जी। पूरा कार है पूरा कार कार्वेंटी फोर का है पूरा कार जी यहाँ पे कोई भी ऑनर नहीं है हमने कस्टमर से कार को पैसा दे के खरीद लिया हुआ अच्छा हाँ तो मतलब यहाँ पे आपको कोई भी कार लेनी हो आप इमीडिएट परचेस कोई भी कार एनी कार यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है ना ये पूरी कार बेचने के लिए अवेलेबल है कोई भी आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि कोई कागज पेंडिंग है या कोई लोन का पेंडिंग है कुछ पेंडिंग नहीं है

7, से भी yes. ज्यादा कार्स अभी राइट नाउ अवेलेबल है कार्स ट्वेंटी फोर के पास exactly. सर ये बताइए कार्स ट्वेंटी फोर जो नॉर्मल कार्स में डील करते हैं या सिंबल में भी जी नहीं सर बिल्कुल हम मतलब पर्टिकुलर कोई ऐसा ब्रांड नहीं है कि हम सिंबल में ही हम डील करते जी. हमारा मतलब ऐसा है कि कोई भी हर जो कार जो मतलब हमको जेनुअन लगती है या किलोमीटर उसका सही है कोई टेम्पर नहीं किया हुआ एक्सीडेंटल नहीं है तो वो कार हम परचेस करते हैं हम कभी भी सिम्बॉल नहीं देखते हर कार को परचेस करते क्योंकि वो कार हम जो ले रहे हैं ना हम बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो कोई भी बंदा खरीदने वाला तो लाख रुपए वाली कार भी लेने आएगा और पचास लाख लेने वाली भी आएगा तो मेरे को हर कस्टमर को वैल्यू करना है तो हमारे को ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम मतलब सिम्बॉल ही लेंगे हम हर कार लेते हैं बट यही है कि कार ओरिजिनल होना चाहिए वो ये कंसर्न है आप लोग मेरी बाइक तो जानते हो मेरी बाइक का कलर है ब्लू डार्क ब्लू और जब मैं यहाँ पे सर के पास पहली बार आया तो मैंने कहा कि सर मुझे कार परचेस करनी है क्या आपके पास जीरो डाउन पेमेंट तो हो जाता है क्या तो सर ने बोले कि सेजू एक काम करो आपका डॉक्यूमेंट्स मुझे दो ट्रायल करते हैं तो सर ने कहा कि आपको कौन सी कार पसंद है तो मैं यार्ड में आया और स्विफ्ट काफ़ी अच्छी लगती है सर कौन सी वाली है ये फर्स्ट वन सर अब समझ लो कि कार लेना अभी कितना इजी हो गया है मैं इतनी दिन से आज से दो साल से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कार परचेस करूँ बट मैं ये सोच रहा था कि मेरा सिविल रिकॉर्ड सही है या नहीं है अप्लाई करूँ या नहीं करूँ होगा कि नहीं होगा और जीरो डाउन पेमेंट पे तो सोच के बाहर है कि होता क्योंकि नहीं मिल रही है ठीक है एंड फिर मैंने सर को कहा सर ये वाली कार मुझे परचेज करनी सर आपने क्या किया फिर Uh, जैसे कि मैंने सर इनको बता इन्होंने बताया मुझे कि मुझे को कार परचेज करना है जी. तो मैंने बोला कौन सा कार कि सर ऐसा कोई प्लान नहीं था बट एक माउती का अच्छा कार देखना है। जी, तो मैंने उनका सिर्फ आधार का पैन कार्ड लिया हमारी एप्लीकेशन है काश ट्वेंटी आपको एक अप्लाई लोन के लिए होता है ओके तो उसके एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है आईओस में भी अवेलेबल आप खुद घर पे बैठ के चेक कर बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल आप कहीं से भी उसको खाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको सिर्फ अंदर डॉक्यूमेंट डालने होते हैं जी आधार कार पैन कार्ड डाल दिया बेसिक पूछेगा आपको क्या जॉब करते हो करते हो कितनी इनकम है कितना मतलब आपका पे रहते हो पिन पे, कोड डालना होता है ये खाली नॉर्मल डिटेल्स होगी वो आपको फिलअप करना है मैंने आपका फिलअप किया था जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे वो फिलअप करते हो ना हाँ तो आपका जो भी सिविल रहेगा उसके हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी वहाँ पे दिख जाएगा अच्छा मुझे भरोसा नहीं था कि मेरी 100 परसेंट लोन होगी तो आपको दिखा में यार भरोसा नहीं था कि मेरी हंड्रेड परसेंट मतलब जीरो डाउन पेमेंट पे अगर मैं तो सात लाख तो की, की पूरी लोन हुई है एक रुपया भरना नहीं है ठीक है तो समझ रहे हो अभी कार लेना कितना इजी हो गया तो आप लोग कार्स 24 में आओ इनके स्टॉक यार पूरे इंडिया में विजिट कर लो हर जगह कि अभी आपको कार जिस तरीके से आपको मोबाइल में डिटेल में कार्स वगैरह के बारे में बताएंगे बिल्कुल सर बिल्कुल मैं आपको हेल्प तो पे जैसे आप देख रहे हो जी यहाँ पे पूरी कार्स अवेलेबल है ठीक है तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको उसके हिसाब से आपका जीरो डाउन पेमेंट हो गया जी यहाँ पे ऐसा नहीं है आप को जो भी कार आपको लेनी है वो पर्टिकुलर कार के हिसाब से आपका मतलब एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा अगर आपके एलिजिबिलिटी में कोई और बड़ी कार भी है तो वो भी आपको बिल्कुल सर ऐसा नहीं है कि एक पे हुआ तो दूसरी कार पे नहीं होगा आपको अगर कोई कार ये देखी आपने दूसरी और देखी आपको वो अच्छा स्विफ्ट तो मुझे, ले बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे वरना ना कि अभी उनका जो एलिजिबिलिटी चेक किया फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे आपका जीरो जी। जो जो आप चेंज रहा है, तो शायद उसमें डीपी भी आ सकता है या आपका एलिजिबिलिटी सही है तो वो भी आपका में मतलब डाउन पेमेंट जीरो पे हो सकता है ऐसा कोई कम्पलसरी नहीं है की आपका एक कार पे हो जीरो तो दूसरे पे जीरो या नहीं होगा वो डिपेंड्स है की आपका एलिजिबिलिटी क्या है तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन थी गाइस ये थी कि आप लोग ईएमआई पे किस तरीके से परचेस कर सकते हो मेरा तो ईएमआई हो गया आपको प्रूफ मिल गया अभी हम लोग छः से सात कार्स ऐसी कवर करेंगे जो आपके बजट में होगी एक से दो से तीन लाख चार लाख के बजट में होगी तो वैसी कार में आपको दिखाने वाला हूँ सर आप दिखाएंगे

बेस्ट सेलिंग कार थी हाईएस्ट सेलिंग कार थी और अभी ये हमारे पास बहुत अच्छी कंडीशन में खड़ी है जी ठीक है फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये 2012 का मॉडल है जी मैनुअल ट्रांसमिशन आता है सर पेट्रोल गाड़ी है ये जी इसका और क्या? क्या? चली हुई है सर एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलो अंदर से आप लोग एक बार इंटीरियर देख लो गाइस और सर इसकी कीमत बताइए क्योंकि सर, ये कीमत इसकी है जी टू पॉइंट फोर टू लैक्स दो लाख बयालीस हजार दो लाख बयालीस अगर आप लोग को कार सीखनी हो या आपको ओला उबर में चलानी हो तो ये आप कार ले सकते हो बिजनेस कर सकते हो काफी बढ़िया है ठीक है इसके बाद हम लोग अभी एक और कार देखेंगे तो सर अगली कार हमारे पास ये आती है ह्यूंडाई की आई टेन जी जो कि 2012 का मॉडल है मैनुअल ट्रांसमिशन है सर जी फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी और चलिए सर सिर्फ तीन हजार तीस हजार पांच सौ किलोमीटर जी आ जाइए परफेक्ट कंडीशन में गाड़ी है ये जी तो सर इसका कीमत कितनी होगी इसका सर कीमत ज्यादा नहीं है चले हुए के हिसाब से ये गाड़ी आपको मिल जाएगी सिर्फ दो लाख हज़ार दो लाख बयान हज़ार ई सर आई अच्छा, हो, हो जाएगा इस पे लेकिन इस पे मैक्सिमम टू इयर्स तक का लोन प्रोवाइड करवाती है ओके okay. जी 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 सर ओके नेक्स्ट कार देखते हैं हम लोग तो अब सर हमारे पास अगली गाड़ी आती है जी मारुति की जो कि हमारी इंडियन मार्केट में सबसे ब्रांड माना जाता है। है है। उसकी आती है ये आर सर।, जी। जी। काफी है सर। सर सर जी। जी। काफी बढ़िया गाड़ी बहुत अच्छी में है। जी। और, ये और चली हुई सिर्फ थर्टी टू है फाइव हंड्रेड ओके अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ श्योर की तो यहाँ पे हमारे पास की वगैरह सब अवेलेबल है मैं आपको एक बार दिखा देता तो अंदर से आपका इस, इस, इसका इंटीरियर देख लो काफी फ्रेश है बढ़िया है सर इसकी कीमत कितनी होगी इसकी कीमत है सर टू लैख नाइन सेवन थाउजेंड टू लैख नाइन से पेट्रोल है ना जी सर पेट्रोल गाड़ी है और बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी है सर okay. इंजन और ट्रांसमिशन आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा सर हमारी कोई भी गाड़ी यार्ड पे आप देखेंगे जी तो ये हमारा बेस्ट सेलिंग पॉइंट है इंजन और ट्रांसमिशन ओके जो आप लोग वो वाला डिपार्टमेंट देख रहे हो ना वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह सब चेक होती हैं

प्रोवाइड की जाती है जब ये सारे पैरामीटर्स पे वो गाड़ी बैठती है सेट बैठती है, तो। है जी तो, अभी देखते हम कार। तो सर एक बहुत अच्छी गाड़ी है हमारे पास जी फिर से मेक है मारुति और बहुत प्यारी गाड़ी है उनकी सैलरीओ जी ठीक है तो ये अपने पास अवेलेबल है सर जी पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन है सर नंबर ऑफ ऑर्नर इसका वन है जी और सेवनटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर ये चली हुई है दो हजार चौदह का मॉडल है जी तो आप लोग को मैं अंदर से दिखा देता हूँ भाई इसका इंटीरियर काफ़ी बढ़िया रखा हुआ है काफ़ी फ्रेश है गाइस देख सकते हो आपको थोड़ा अंधेरा होगा बट दिख रहा होगा सही से बाकी हर एक चीज़ इंटीरियर इसका सीट कवर सब कुछ लगा हुआ है पूछना पड़ेगा सर इसका प्राइस कितना है इसका प्राइस है तीन लाख सात हज़ार रुपये तीन लाख सात हज़ार रुपये काफ़ी बढ़िया डील है इसके बाद अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा हैवी कार देखते हैं दो तीन कार और थोड़ी हैवी देख लेंगे लास्ट में मैं आपको थार दिखाता हूँ अगर आपको थार परचेस करनी हो तो सर इसके बाद आती है हमारे पास एक बहुत ही सही गाड़ी जो कि है होंडा की सिटी तो इससे पहले मैं एक चीज बता दूं काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है कि उनके पास हो एक होंडा सिटी बट बजट नहीं होता मुझे भी चाहिए थे एक टाइम पे होंडा सिटी बट बजट नहीं होता ये बजट के बाहर वाली कार है तो आज हमारे जो व्यूवर्स है उनको थोड़ा चौंका दो इसका प्राइस वगैरह बता के इसके हाँ। बारे में बता के तो, कंडीशन टॉप है आप बता दो तो सर वही मैं इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ कि दो का मॉडल है सर ये जी ठीक है गाड़ी चलिए इकहत्तर हजार किलोमीटर जी और प्राइस सर आप बिलीव नहीं करोगे ये गाड़ी आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तीन लाख एक हजार रुपए कितने में, में? तीन लाख एक हजार रुपए में तीन लाख एक हजार रूपए में इंटीरियर देखो उसके आप साथ उसके साथ सर आपको मिल रही है कार की तरफ से इंजन पे और ट्रांसमिशन पे एक साल की वारंटी वारंटी के साथ सिर्फ तीन लाख एक हजार के यार तीन लाख रुपए में अगर आप कार ले रहे हो वारंटी के साथ तो एक साल भी अगर चला रहे हो तो यार आपका काम हो रहा है कोई भी कार लेता है तो एक साल दो साल के अंदर कार चेंज कर देता है इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारी जो ड्रीम कार है थार वहाँ चलते हैं वो देखते हैं वो कितने में मिलेगी आपको गाइस ये आ गई हमारी ड्रीम कार एक और अभी जो न्यू जनरेशन हम लोग जो परचेस करना चाहते हैं वो है हमारी थार लेकिन फोर बाय फोर फुल्ली ऑटोमेटिक इतने ज्यादा प्राइस हो जाती है ना बीस बाईस लाख के आसपास हो जाती है प्लस अगर आप लोग ई पे लेने जाओगे तो और भी ज्यादा हाई हाई रेट हो जाता है तो सर इसके बारे में बताइए क्या चीज है सर ये गाड़ी अपने पास फर्स्ट ओनर खड़ी है 2021 का मॉडल है, 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 है सिर्फ दस हजार पाँच सौ हजार है जी और सर गाड़ी कीमत की है सिर्फ और सिर्फ चौदह लाख चौसठ हजार रूपए चौदह लाख चौसठ हजार मतलब सर, ये गाड़ी फोर बाई फोर फुली ऑटोमेटिक अगर आप लोग लेने जाओगे तो बीस बाईस लाख के आस पड़ती है एग्जैक्ट नहीं बता सकता लेकिन ये आपको मिलेगा चौदह लाख चौंसठ हज़ार रुपये में काफ़ी बढ़िया डील है तो इसके बाद नेक्स्ट एक और कार देखेंगे फिर उसके बाद वीडियो एंड करेंगे तो सर ये प्रीमियम सेगमेंट में हमारे पास गाड़ी खड़ी है स्कॉर्पियो एन क्या बात जो कि अभी मार्केट में अगर आप लेने जाएँ तो वेटिंग में चल रही है सर कंपनी में चल रही है जी ये गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है जी और आप बिलीव नहीं करोगे गाड़ी सिर्फ चली हुई है ग्यारह हजार किलोमीटर दो हजार बाईस का ये मॉडल है जी और फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी विद सनरूफ आती है सर फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है फुली ऑटोमेटिक जी क्या बात है तो आप लोग एक बार अंदर से देख लो वैसे देखने की जरूरत नहीं है काफी फ्रेश कार है ये काफी फ्रेश शायद तक ये एट सीटर है ना यस सेवन सीटर सेवन सीटर सेवन सीटर है गाइस और पीछे भी सीट लगी हुई है हर एक चीज अवेलेबल है तो सर इसका कीमत बताएंगे कितनी होगी सर अभी इसकी कीमत हमारे पास अवेलेबल है बाईस लाख पचास हजार रुपए बाईस लाख पचास हजार मार्केट में इसकी प्राइस है अठाईस लाख शोरूम के अंदर शोरूम के अंदर अप्रोक्स अट्ठाईस लाख लेकिन अभी शोरूम में आप जाएंगे तो आपको गाड़ी मिलेगी मिलेगी नहीं वेटिंग तो वेटिंग में चल, में चल रही, चल रही है भाई साहब काफी बढ़िया डील है तो स्कॉर्पियो एन आप लोग ले सकते हो सेवन सीटर थैंक यू सो मच सर नवीन सर अपना टाइम देने के लिए और गाइस अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे तो सर से जरूर मिलना आपको डिटेल्स में काफी बताया जाएगा तो गाइस सेकेंड हैंड कार्स की बहुत सारी वीडियोस फ्यूचर के अंदर आने वाली है तो तुम्हारे भाई का चैनल सब्सक्राइब करके रख लो और सेकेंड हैंड बाइक्स की भी वीडियोस बहुत सारी बनने वाली हैं इस साल तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यह वाली वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो तो काश 24 की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है लोकेशन मोबाइल नंबर हर एक चीज ऐप आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आईओ और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है तो वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी लोन किस तरीके से अप्लाई करनी है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट आप लोग ऐप पे भी अप्लाई कर सकते हो या इनके स्टॉक यार्ड पर भी आ सकते हो तो यार मैंने रील्स भी बनाए हुई है इंस्टाग्राम पर तो वहां जाके मुझे फॉलो कर लो ताकि आपको एक छोटी सी वीडियो के अंदर मालूम पड़े कि ये यह भाई यहाँ पे कौन कौन सी कार अवेलेबल है तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को शेयर कर देना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना डेली इसी तरीके की वीडियो के लिए मिलता हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए बाबे डेकेल हाफिस नेक्स्ट वीडियो गाइस एक चीज और हमने ले लिए स्विफ्ट हमारी अब पे तो अब चलाएंगे यार वो